रूस यूक्रेन युद्ध के बीच हमारे देश के हजारों नागरिक फंसे हुए हैं, हमारे देश के हजारों बेटियां आस लगाए हुए हैं, लेकिन आज हमारी सरकार क्या कर रही है ये आप देख रहे हैं। लेकिन यूक्रेन में फंसी हमारी बेटियों ने R9 न्यूज को एक ऑडियो भेजी है जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे, आपके होश उड़ जाएंगे कि कैसे यूक्रेन में भारतीय एम्बेसी के अधिकारी बेटियों की मदद करने के बजाय हाथ खड़े करने की सलाह दे रही हैं। R9 न्यूज इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन आप भी सुने इन बेटियों की आवाज और अंदाजा लगाएं कि आज दुनिया कैसे खतरे से गुजर रही है। सुनिए ये ऑडियो। हेलो, गुड इवनिंग सर। यस सर, मैं ना दनिप्रो से स्टूडेंट बोल रही हूँ। आप यहाँ पे कब इवैक्यूएशन भेजेंगे? इवैक्यूएशन मैम शुरू तो होगा तभी तो भेज पाएंगे। नहीं, जैसे अभी आपने बॉर्डर के पास अभी 2 बसेस भेजी हैं, तो आप दनिप्रो तक कब का एस्टीमेट है आप लोगों का? किसने बोला हमने 2 बसें भेज दी? हमने न्यूज देखी है और वहां से जो इंडियन स्टूडेंट्स है वो भी पेरेंट्स को घर पे कॉल कर रहे हैं कि उनको 2 बसेस ने आके पिकअप किया है। बसें उन्होंने खुद अरेंज किया है, एम्बेसी ने नहीं भेजी। तो मतलब आप लोगों का कब तक का चांसेस है कि आप लोग बसेस भेज देंगे और कब तक इवैक्यूएशन? क्योंकि हम यहाँ पे अराउंड 400 से 500 बच्चे हैं दनिप्रो सिटी के अंदर अंदर। हम लोगों का चांस जब होगा जब बसें चलनी शुरू हो जाएगी, जब पॉइंट खुल जाएंगे, यहाँ एयरपोर्ट खुल जाएगी। तो सर अभी जैसे कि हमें सुबह से यही इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि 3 बार हमारा हो चुका है कि अब अटैक होगा, अब सायरन बजेगा, अब अटैक होगा, अब सायरन होगा, उस चीज से रिलेटेड कोई न्यूज, मतलब हम कैसे क्या करें? या अभी से जाके बंकर्स में बैठ जाएं या क्या करना है? तो बंकर्स में ही बैठना पड़ेगा, और कौन अटैक कौन रोक सकता है अगर होगा तो? सर हर जगह बंकर्स भी अवेलेबल नहीं है हमारे पास। जहाँ पे है जो रेसिडेंस ऑलरेडी वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, हम लोग को इनफैक्ट बहुत जगह लापरवाही भी हो रही है कि हर जगह वेट किया जा रहा है, कुछ होगा तब देखा जाएगा। सर यही करते करते और शुरू ही हो गया। मैम आप रेसिडेंस में तो है? सर वो समझ रहे हैं हम, बट हम लोग को भी तो डर है ना, फैमिली को भी तो डर है ना। डर किसको नहीं है, सबको डर है। तो सर एक स्टेप तो लेना जरूरी है ना कि एक बार स्टेप तो पॉसिबल हो तभी तो ले। यहाँ से गाड़ी अगर चलनी शुरू होगी तभी तो चलाएगी गाड़ी या जो भी अरेंजमेंट किया जाएगा। सर चलो, आप मतलब कितने दिन का आपका एस्टीमेट है कि अगर हम पेरेंट्स को बोले कि ये सेफ साइड है? हमारा एस्टीमेट कोई अपना नहीं है, हमारा एस्टीमेट है सिचुएशन पे डिपेंड होता है। जब तक सिचुएशन नॉर्मलाइज नहीं होगा तो कैसे कोई अरेंजमेंट कर सकता है, कोई भी अथॉरिटी हो। तो सर जो इंडियन गवर्नमेंट, मतलब हमेशा जिन्होंने इंडियन गवर्नमेंट ने ये कहा है कि रशिया की हमने बहुत हेल्प की है या रशिया ने हमारी बहुत हेल्प की है, तो क्या मतलब रशिया इतना भी नहीं कर रहा कि वो हमारे लिए एटलीस्ट 24 आवर कुछ तो इवैक्यूएशन के लिए हेल्प करे ना? अगर कर रहा है तो आपको पता नहीं चलेगा? तो सर जो 2 बसेस का वो दिखाया गया है उसके अंदर उन्होंने सिर्फ आप लोगों का ही मेंशन किया कि थैंक्स टू इंडियन एम्बेसी हमें यहाँ से इवैक्यूएट करने के लिए, तभी तो हमने आपको कॉल किया। आपने कॉल किया तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, हमने कोई बसे अरेंज नहीं किया, उन्होंने खुद अरेंज किया है अपने, और वो अपने रिस्क पे गए। सर तो फिर हम किस होप में बैठे हैं, मतलब हम ऐसे होपलेस हो जाएं कि नहीं आएगा या कुछ तो बताइए ना। मतलब हमने आपको कॉल, हमने कुछ लड़ाई करने के लिए या इस पर्पज से नहीं किया है, हमने सोचा है कुछ होप मिलेगी। कुछ होम मिलेगी, होम तो तभी मिलेगी जब आपको हमारे उसमें, हम जब कुछ कर पाएंगे, हमारा जब कुछ अरेंजमेंट होगा तभी तो हम बताएंगे। हम आपको झूठ थोड़ी बोल देंगे कि हाँ हो जाएगा, होप तो तभी होगी ना सर, कि जब हमारे इंडियन गवर्नमेंट से आपको मतलब नहीं बोला जा रहा है या कुछ बताया नहीं जा रहा है, क्योंकि मीडिया वाले भी कंटिन्यू बोल रहे हैं कि हाँ तैयारी हो रही। इंडियन गवर्नमेंट को सारी चीजें बताई हुई है, जब तक अगर इंडिया गवर्नमेंट बोलेगी तो हमारी क्या मजाल जो हम ना करें। तो सर इंडियन न्यूज चैनल्स पे कैसे दिखाया जा रहा है कि 2 बसेस ने इवैक्यूएट किया है, 2 बसेस हो रही हैं? न्यूज चैनल हम आप ऑपरेट करते हो? सर हमसे बात हुई है रिपोर्टर से और जो भी एंकर्स हैं वहाँ, हमने कॉल पे बात की है, तो वो हमसे डायरेक्ट यही बोल रहे हैं कि हाँ हो रहा है, पूरी जोर लगा रही है सरकार। तो हमें आपसे ही कन्फर्मेशन मिलेगी ना कि इस बातें सिर्फ बोलने की है या सच में कुछ हो रहा है। तो मैं आपको कंफर्म ही तो कर रहा हूँ कि क्या हो रहा है। आप कह रही हैं 2 बसें चल गई, हमने कहा 2 बसें हमने नहीं चलाई है, तो ये कंफर्मेशन ही तो है। ऐसा थोड़ी ना कि 2 के लिए कर दिया और आपके लिए नहीं किया। आप तो ऐसे क्वेरी करते हो जैसे हम लोग जानबूझ के कुछ नहीं कर रहे हैं या हम कर सकते हैं और आपके लिए नहीं किया जा रहा है। सिचुएशन सबके लिए ही सेम है ना, कोई नॉर्मल सिचुएशन तो है नहीं। यहाँ पे डाला है
कि फर्स्ट बैच रेडी फॉर द डिपार्चर फॉर द चन्नी वैसी यूक्रेन, ये इन्होंने यहाँ चन्नी पे डाला है। किसने डाला है? ये कुछ सर इंस्टा आईडी है, उन्होंने आपका नाम लेके डाला है। मेरा आईडी है, उनका नाम डाला किसने है? आईडी हमारा है। क्या उसमें एडवाइजरी में क्या है जरा पर ये? उन्होंने थैंक्स अ लॉट टू द नरेंद्र मोदी मीडिया इंडिया द एमडी हाउस द इंडियन डॉट इनसाइड यूक्रेन फर्स्ट बैच रेडी फॉर द डिपार्चर फॉर द चर्नी वेस्टी यूक्रेन। तो वो हमारा कहाँ से आ गया? आप कह रही हैं आपने किया है, आप लोगों ने डाला है। तो एम्बेसी का ही रोल होगा ना इसमें? मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, अगर रोल होता तो मैं किसी एक विशेष के लिए, एक ग्रुप के लिए और एक लोगों के लिए थोड़ी ना होगा। सर और अगर हमने दूसरे का हो सकता था तो बाकी लोगों का क्यों नहीं होगा? सर हमारा मतलब है कि हम भी हैं, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आप सिर्फ अकेले कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम भी हैं, तो बस हम वो चीज़ इन्फॉर्म कर रहे हैं, हम कुछ क्वेरी नहीं कर रहे हैं सर, सॉरी फॉर द मिसअंडरस्टैंडिंग। आप क्वेरी ही कर रही हैं, आप कह रही हैं 2 बसें गई हमें क्यों नहीं कर रहे हैं, ऐसा तो हम नहीं बोल रहे हैं क्या? कि हमारा कब कब या फिर ऐसा है कि हाँ कब होगा? मैंने आपको पहले बताया कि जब भी अरेंजमेंट होगी, जब भी कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब सब चीजें बंद है तो कहाँ से क्या किया जाए? एयरपोर्ट बंद है, फ्लाइट कहाँ लैंड करेगी? कोई टैक्सी और बस तो नहीं है कि कहीं खड़ा करा दे? तो जब भी कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जब वो काम करना शुरू करेगी, तभी तो कोई अरेंजमेंट किया जाएगा। और जो बसें की बात कर रहे हैं, बसें आप निकल के देखिए बसों का क्या हालत है, और अगर कोई जानबूझ के ले जा रहा है तो ये उसका अपना रिस्क है, अपना डिसीजन है, उसमें कौन दूसरा कोई क्यों रोक सकता है? वैसे ही अगर अरेंज करना है तो आप लोग भी अरेंज करके जाइए, आपको कौन मना कर रहा है? सर हम तभी आपका वेट कर रहे हैं ना, तभी वही चीज हो रहा है। मैं इसीलिए बता रहे हैं कि एडवाइस इसीलिए दिया जा रहा है कि देखो ये रिस्क से भरा है, क्योंकि लोग अपना रिस्क उठा रहे हैं, तो अब उनको कौन रोक सकता है, वो जाए। चलो थैंक यू सर, हमें बस यही चीज कंफर्म करनी थी, क्योंकि आपके मन में जैसे कि हमें ये न्यूज मिली है और हमारे पेरेंट्स को ये चीज न्यूज मिली है, तो सभी यही चीज पूछ रहे हैं कि सिर्फ 2 बसेस ही क्यों भेजी गई हैं। एटलीस्ट चलो आपने ये चीज कंफर्म की है कि ये चीज को इंडियन एम्बेसी के थ्रू कोई चीज नहीं भेजी गई है, ये सब उन्होंने खुद से किया है। एटलीस्ट हम अपने पेरेंट्स को ये कंफर्म तो दे सकते ना कि इंडियन एम्बेसी ने ऐसा नहीं किया कि 2 बच्चों को निकाला है बाकी 10 को छोड़ दिया है, तो हम एटलीस्ट ये चीज बोल सकते हैं। आपने इतनी बड़ी चीज कंफर्म करी है, उस चीज के लिए तो बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि अभी तक सबके लिए यही था कि इंडियन एम्बेसी ने ही 2 बसेस भेजी है सिर्फ, तो वो चीज एक बहुत एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है आप लोगों का सबके ऊपर ही। मैं यही कह रहा हूँ कि कौन लोग ऐसा कर रहे हैं वो हम लोगों को पता नहीं, ना हम लोग जानना चाहते हैं, लेकिन जो रियलिटी है वो मैं आप जब फोन करती हैं तो हमारा यही है कि आपको क्लियर चीजें बताई जाए कि क्या चल रहा है। अब आप हमको झूठ आपको कह दें कि नहीं ये हो जाएगा, नहीं सर वो चीज हम बहुत अप्रिशिएट करेंगे कि आपने हमें मतलब सच्चाई ही बताई है, इस पोजीशन पे बैठ के इतने गलत सिचुएशन मतलब जो यहाँ पे हो रखी है उस चीज में बैठ के झूठ या झूठा दिलासा देना भी बहुत गलत चीज होगी। बिल्कुल बिल्कुल ही गलत, क्योंकि हर कोई उसको ये सिचुएशन ऐसा है कि हम कुछ भी बोलेंगे वो मैटर करता है। हाँ जी सर, क्योंकि अभी इस टाइम आपकी ही मतलब वर्डिंग ही मेन मैटर की जाएगी, तो उस चीज के लिए थैंक यू। कुछ भी ऐसा नहीं जो गलत हो, किसी को गलत उसमें फंसाया जाए या उसको जानबूझ के गुमराह किया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं बोला जाए। थैंक यू सर। ओके मैडम।